बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में। आपको भाई एक खबर से अपडेट कर दूंगा। बात यह है कि कुछ भाई मुझे भी कमेंट कर रहे हैं और मैं कुछ ऐसी वीडियो भी देख रखा हूँ अभी सोशल मीडिया के ऊपर। एक ऐसी वीडियो भाई के भाई हमारी कंपनी हमारा कफील हमारा इकामा नहीं बढ़ा रहा है, हमारी छुट्टी नहीं बढ़ा रहा है, या कंपनी को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके कफील को अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको 8-9 माह 1 साल हो चला है पाकिस्तान में या इंडिया में बैठे हुए, तो उन लोगों ने हमारी जगह के ऊपर नए बंदे रख लिए हैं, अभी उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारे इकामे हमारी छुट्टी नहीं बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम सऊदी अरब में अब कैसे आएँ भाई, हमें इसके मतलब कुछ हल बता दें। तो मैंने इसके मतलब जब ऐसे कमेंट पढ़े ऐसे वीडियो देखी तो मैं खुद से हैरान था इस चीज के ऊपर कि भाई आपको इतनी सी भाई इस चीज की समझ होनी चाहिए कि जो आपके इकामे पहले बढ़ चुके हैं, आपको आपके इकामे बढ़े होंगे डेफिनेटली बात है जी, 9वें माह की 30 तक रुके होंगे या ये नवंबर की 30 तक रुके होंगे, ठीक है जी। उसके बाद 1 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लैट्स बहाल हो गई, उसके बाद फिर से शाही फरमान जारी कर दिया गया कि अभी आपके इकामे और छुट्टी भाई ये जनवरी 31 तक बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। आपके पहले जो इकामे और छुट्टी बढ़े हैं भाई, वो क्या आपके किसी कफील ने बढ़ा या वो आपके इकामे भाई आपकी कंपनी ने बढ़ाए हैं? किसने बढ़ाए थे? वो तो शाही फरमान जारी किया गया था, तो अभी जो जारी किया गया वो क्या है भाई? शाही फरमान ही अभी भी जारी किया गया है, आपके इकामे आपकी छुट्टी खुद ब खुद बढ़ेगी, ठीक है जी। कुछ दिन वेट करें, आपकी ऑप्शन में शो हो जाएगी, उसके बाद आप खुद से टिकट लेकर सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं। आगे से आपकी कंपनी आपकी कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती है, मैं आपको कन्फर्मली ये बता रहा हूँ, जब तक आप सऊदी अरेबिया में इंटर नहीं हो जाते, आपका ना तो वो खुरुज नहाई लगा सकते हैं, ना आपको नकल कफाला दे सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके जब इकामे और छुट्टी बढ़ जाए, टिकट लेकर सऊदी अरेबिया में आए, आपको अपनी कंपनी में नहीं जाना है, या आप कंपनी को आपकी ज़रूरत नहीं है, या कफील को आपकी ज़रूरत नहीं है, तो उससे सीधी बात करें, या तो मेरा खुरुज नहाई लगा दे, अगर आप खुरुज नहाई के तौर पर नहीं जाना चाहते हैं वापस, यानी कि न्यू वीज़ा के तौर पर नहीं आना चाहते हैं, तो उसको बोलें कि भाई मुझे नकल कफाला दे दे, बस बात खत्म हो गई, मैं किसी और जगह पर चला जाता हूँ, किसी और जगह पर नकल कफाला करवा लेता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपके इकामे आपकी छुट्टी कफील या कंपनी की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, या वो आपका खुरुज नहाई लगा देंगे, या वो आपका आपको नकल कफाला वगैरह दे देंगे, या आपका हरूब कर देंगे, ऐसा कोई मामला हो ही नहीं सकता है जब तक आप सऊदी अरेबिया में इंटर नहीं हो जाते।